बिना सोए हुए इंसान, पूरी रात जागा हुआ इंसान। कैम छो मजा मच दे रहा हूँ तो पूरा ग्रुप में से ना इन्हीं की बाइक चमक रही है भाई। और ये देखो मैंने यहाँ पहने, देखो यहाँ पे शायद लग गई है आपको। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। दोस्तों आज है संडे और आज हम जाने वाले हैं संडे राइड पे। सबसे पहले हम जाने यहाँ से ऋषि भाई के घर, ऋषि भाई के साथ पिक करने, उसके पास और बंदों से मीटअप करेंगे। आज जो ग्रुप में राइडिंग होने वाली बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, क्योंकि आज मीटअप करने वाले हैं रुद्र प्रयाग के लिए, ठीक है। और भी आज नए नए बंदे आने वाले, सबसे आपको मिलवाएंगे जरूर, सबसे मीटअप करवाएंगे। तो फटाफट चलते हैं और आपसे बहुत सारी बातें करनी आएंगी उसको, तो सब कुछ राइड पर करते हैं बात, ठीक है। और देखो भाई कल इसका बैक टॉप और बैक कैश गार्ड लगवा लिया वापस, और फाइनल लुक देखो कुछ ऐसी आ रही है बाइक की। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि इसको मैंने निकाल दिया था, इस बार मैंने वापस से इंस्टॉल कर लिया है और लुक कुछ ऐसी आ रही है। तो फटाफट चलते हैं राइड पे अपने, फिर मैं आपसे क्लियर और बहुत सारी बातें कर लूँगा। फटाफट चलते हैं राइड पे। दोस्तों फाइनली हम निकल रहे हैं और यहाँ से विक्रांत भाई आ रहे हैं, हम यहाँ से विक्रांत भाई के साथ निकल रहे हैं। गली में भाई कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, बिना कुत्ते भौंकते इनका काम ही नहीं होता। ओ भाई गली पूरा सुनसान है, 5:30 बज रहे हैं और देखो भाई पूरी गली सुनसान है भाई। अलग ही फील आती है भाई जब जानते हो, मतलब दुनिया सो रही है और हम जाके चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। यार विक्रांत भाई आ रहे हैं, हम यहीं पर वेट करते हैं। देखते हैं, यहीं पर वेट करते हैं, अपना आने दीजिए विक्रांत भाई को। यहाँ से हम कुछ 2-3 बंदे आने वाले हैं और अपने खास कुछ बताओ हमारे सब्सक्राइबर्स को। क्या बताया, नहीं बताएंगे ना। कहाँ कहाँ घूम लिए? घुमा तो ज्यादा नहीं है, हाँ जितना भी घुमा मजेदार घुमा। अरे जो थी मसूरी की मारी, अच्छा वो हाईएस्ट हिल पे हुई थी। चलो बढ़िया, मद्राज मंदिर है, ऑफ रोडिंग रोड है, उसका रास्ता सीधा ऐसा है। अच्छा ऐसा खड़ा इस पे बाइक ले गया। मैं गया था अभी, एक हंटर गई थी, एक और एफजेड थी और एक जीटी गई थी। जीटी और हंटर दो बार गई। तो भाई ने देखो भाई फुल्ली मॉडिफाइड करा रखा है, चलता फिरता घर बना रखा है, लाइट वगैरह के साथ देख सकते हो भाई। इतनी प्यारी लग रही है ये बाइक, देखो यार कोई बोल नहीं सकता इसको देख के, ये एफजेड है भाई, देखो इतना प्यारा इसको बना रखा है। और बहुत जल्दी सोच रहे भाई जो ये नंबर प्लेट है ना ऐसा, ये नंबर प्लेट भी हमें थोड़ा ऐसा कराया कि बहुत ओल्ड टाइप का लग रहा था। और यहाँ पे हमारे ऋषि भाई आ चुके हैं फाइनली। अभी इतना थका है, क्या हाल चाल? निकलने का मन नहीं कर रहा था यार घर से। हाँ ऋषि डीके यहाँ से बस हो गए सब चले, तेरे दुखी कर दिए जिंदगी, आधी आधी जिंदगी भाई इस डंडे ने दुखी कर दी है। 5:55 हो रहे हैं, मौसम देखो यार इतनी प्रेटी लग रही है, इतनी प्याली प्याली लग रही है यार, कुछ कहने का नहीं। तो दोस्तों कुछ सुपर बाइक जा रहे हैं, आप देख सकते हो कावासाकी, अपनी BMW, अपनी धनो भी लग, अपनी लाडो, अपनी लूफी भी किससे कम है क्या। ओहो बड़ा बड़ा मज़ा, बड़ा मज़ा, बड़ी सेक्सी लगती है यार जब सुपर बाइक साइड से आती है ना यार, कसम से बहुत ज़्यादा सेक्सी सी लगती है एकदम। तो दोस्तों अपना मीटअप पॉइंट आ गया है और भाई चेक करो एकदम आग लगी पड़ी है इधर तो। तो दोस्तों हम ये 4 बाइक आई है, अभी और बंदों के आने बाकी है, 8 बंदों के भी होना आना और बाकी है, फिर दिखाते हैं आप लोगों को क्रेज़ किसे कहते हैं, असली क्रेज़ किसे कहते हैं गाइस। प्यारी व्यू है, इतना प्यारा मतलब यहाँ पे सीन होगा ऐसा कुछ, देख सकते हो भाई आप लोग जिधर देखो सुपर बाइक्स वगैरह एकदम तहलका मची पड़ी है। फाइनली दोस्तों यहाँ पे सब अपने बंदे आ चुके हैं, देख सकते हो इस बार पहले से ज़्यादा इन्जॉयमेंट ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इस बार भाई ग्रुप ज़्यादा होने वाला है,
पिछली बार भाई की स्कूटी हो गई थी खराब। अच्छा वो परमानेंट सॉल्व करवा दिया? परमानेंट सॉल्व करा दिया। और आज की राइड में मीटिंग क्या होने वाली है बताओ? किस चीज़ के बारे में बात करेंगे ये बताओ? किस चीज़ के बारे में बात करेंगे ये बताओ? यही ग्रुप, इसमें तो ग्रुप की बातें होती हैं। हाँ किसी को लॉन्ग राइड चलनी है तो भाई मेरा नाम विष्णु है, चैनल का नाम है पाल विष्णु ब्लॉग। बिल्कुल डेली हर मंथ करते हैं हम एक लॉन्ग राइड। जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इनके चैनल का, ठीक है। बाकी भाई इनका पिछली बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी स्कूटी में, वो भी सही हो चुका है। उसके अलावा हमारे खास, बहुत ही ज़्यादा खास, बिना सोए हुए इंसान, पूरी रात जागा हुआ इंसान, बस करो उठते सबसे पहले आपको मैंने कॉल किया, आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अरे मैं उसके मैसेज डाल दूंगा मेरे ग्रुप में ताकि लगभग आईडी लग जाए कि हाँ मैं उठ गया हूँ। अच्छा तो मैं बोला कि इस बार भी ये गए इस बार भी गए। मैं फिर एक घंटे सोया, जो भी भाई ये तो पूरी रात नहीं सोए इस चीज़ के लिए कि अगर सो गया तो फिर उठूंगा नहीं, ठीक है। बाकी देख सकते हो भाई क्राउड, देख सकते हो यहाँ पे इतना भयंकर क्राउड हो रखा है, ठीक है। बैटरी 63% नहीं, ऑफ है, ऑफ है। बाद में अगर वीडियो रिकॉर्ड मिली ना भाई तो मैं पकड़ूंगा यार। अरे है ही नहीं रिकॉर्डिंग ऑन, हो ही नहीं है। अरे टाइट की नहीं हो रही है ये? अरे अंदर वो पहन रखे ना। अच्छा निकलने वाले हैं हम भी, अपना रेडी कर ले। तो दोस्तों फाइनली हम निकल गए हैं। ज़्यादा ही आ गया आगे। हाँ सेकंड टाइम देखो इस बार ये ऐड किया मैंने, वो सबसे पहले ये लगाओ। भाई मौसम इतनी प्यारी हो रखी है ना, मैं बताऊँ फील एक अलग ही आ रही है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब एक फील यार नेक्स्ट लेवल का फील होता है यार ये चीज़, सच कहूँ तो मैं तो इस बदमाश दिल। तो सबको हैप्पी गुड मॉर्निंग। थोड़े दिन पहले आ रखा था। अच्छा अगर ये आप वीडियो देख रहे हो ना, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो याद आया यहाँ पे हम आ रखे हैं। आज रुद्रप्रयाग के लिए भी मीटिंग कर ही लेंगे जब मौका मिला है तो, और देखेंगे कि कौन कौन चल रहा है रुद्रप्रयाग। सो दोस्तों देखो संडे राइड। और देखो भाई अभी सब वॉक पे निकले पड़े हैं। फिटनेस के मामले में भाई गुड़गांव एक नंबर है भाई, कोई पंगा नहीं ले सकता फिटनेस के मामले में तो। दोस्तों ये देखो ये है गुड़गांव का नज़ारा, ठीक है। जिन लोगों को गलत फहमी है गुड़गांव कैसा है, ऐसा है वैसा है, बिल्डिंग खड़ी है, देखो भाई ये है गुड़गांव का नज़ारा, ठीक है। तो गुड़गांव का हल्के में बिल्कुल मत लो। लिमा कैम छो मजा मत छो चालीमा ओले 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 ओले। राइड्स पैर राइड्स राइडर पैर राइड ग्रुप। सो देख सकते हो भाई साहब सिस्टम हिला डाला पूरा का पूरा, दिक्कत होती है यार निकालने में भी। चलो फाइनली हम हैं आपके सपोर्ट में। ओ भाई ये देखो राइडिंग गियर देखो इनके भाई। अच्छा अच्छा यहाँ पे शायद लग गई है आपको, लग गई है। ओ वो लगा पड़ा है आपको, कहते हैं डबल बैंडेड। भाई इनके स्प्लेंडर देखो, सबसे पहले तो इन्होंने कौन सा साइलेंसर लगा रखा है बताओ मैं आपको, ये देखो SC का साइलेंसर लगा रखा है भाई, और इतना भयंकर साउंड दे रहा है तो पूरे ग्रुप में से ना इन्हीं की बाइक चमक रही है भाई, और किसी की चमक रही।
और गाइस चेक कर सकते हो यहाँ का माहौल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने पॉइंट पे और देख सकते हैं हमें मस्ती चल खाने की चीज यार वो तो ठीक है खाने की चीज अबे केक काट के खा कैसा केक रखा था यार यार केक खा लिया गाइस यार भाई पता नहीं किसका केक रहा था लपेट गई है और देख सकते हैं क्या हाल बचा पड़ा है यहाँ पे। मेरा नाम दिनेश है ठीक है ग्रुप में सबसे छोटा पर सबसे धमाकेदार निकालने वाला हूँ इस बार ब्लॉग और 19 साल की उम्र है 17 साल की उम्र से ब्लॉग बना रहा हूँ बहुत अलग है वायरल एक भी नहीं लाइसेंस की एक मार रहा हूँ एक अभी इन लोगों के साथ में गया था बरसाना ठीक है बहुत मजा आया बहुत एंजॉय किया दिल्ली टू बरसाना लाइसेंस है अब है मतलब करंट में है अभी पहले नहीं था और पकड़ा भी नहीं गया बिना लाइसेंस के ऋषिकेश चला गया बिना लाइसेंस के हरिद्वार चला गया बिना लाइसेंस के मैं शिमला चला गया कोई पता नहीं कोई दिक्कत नहीं पर रास्ते को पर वो जो चलान कटेगा ना इसलिए वो स्कूटी ही नहीं रही हटाई दिया लाइसेंस लेने के बाद कोई ना पर्सन तो सामने है ना कबूल कर रहा है कोई नहीं अब ले सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है रोड प्रूफ के साथ है ठीक है और आई होप आप लोगों के साथ जुड़ के और अच्छा लगे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा ठीक है और सच क्यों लिटरली एक महीने के अंदर अंदर मैं ग्रुप में जब आया हूँ ना बहुत कुछ सीखा हूँ मैं अपना राइडिंग जैकेट्स का फॉलो करना सही से गाड़ी चलानी सीखना ठीक है कैसे किसी से बात करना बहुत कुछ सीखा हूँ तो आई होप मैं आगे भी सीखता ही रहूँगा इस ग्रुप से बहुत बढ़िया। दोस्तों ग्रुप में मिलके बहुत मज़ा आया और अभी कुछ शॉर्ट्स निकालने वाले हैं उसके बाद घर को निकलेंगे। चलो दोस्तों अगर एक अच्छा टीम पार्टनर एक अच्छा ग्रुप मिले ना तो इतना ही इन्जॉय होता है ठीक है। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि सबको अपनी अपनी मर्जी होती है किसी को सोलो ड्राइव अच्छा लगता है सो किसी को राइडिंग अच्छी लगती है अपने ग्रुप के साथ ठीक है। मुझे सोलो भी अच्छी लगती है राइडिंग ग्रुप के साथ भी अच्छी लगती है ठीक है पर वही बात है थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट अगर ले जाते हो और थोड़ा मस्ती मौज मस्ती ले जाते हो फिर आपको भाई ग्रुप में आना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप में हमेशा ही ऐसा होता है कि हर एक बंदा काम का होता है ठीक है। कुछ चीज़ आप सिखाते हो और कुछ चीज़ आप खुद सीखते हो वो है उसको लेके निकलो ये मत सोचो कि आज मेरे पास ये है कल मेरे पास वो है कल मेरे पास ये आएगा तब वो करूँगा ना जो है उठाओ और निकलो। अगर सक्सेस करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो जो है सो उठा के निकलना पड़ेगा और यही सच्चाई है। सर इधर वो करा लेना है ना यहाँ पे रबड़ लगवा दूँ है ना ठीक है। चलो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड दिखा जाए अपनी नहीं स्लो ही चलाना चाहिए हमको बहुत मजा आया जितेश भाई ऋषि भाई और अपने खास दीपक भाई आप नहीं नहीं एक बंदा रह गया विष्णु भाई इन चार पांच बंदों के लिए थैंक यू। गली में आ गया भाई अब मजाक नहीं कर सकते वैसे ही मैंने यहाँ पे पूरा तहलका मचा रखा है
दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं घर, व्लॉग को करते ही एंड। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पूरी रात सोए नहीं इस व्लॉगिंग के चक्कर में। और भाई रिस्पेक्ट करता हूँ दीपक भैया को, भाई वो तो डर के मारे ही नहीं सोए पूरे रात कि फिर सुबह उठ नहीं पाऊँगा। ठीक है, सो एंड करते हैं व्लॉग को, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, गला एकदम बैठ चुका है। अच्छा लगा आज मीटअप करके।